हमारी रवानगी है तेहरान की जानिब। अभी हम प्लेन में बैठे हैं, कुछ ही दिन में परवाज करेगा। बिल्कुल तैयारियां रेडी है। बहुत कोशिश की विंडो सीट की, लेकिन विंडो सीट नहीं मिली, तो यहीं बैठना पड़ा। इन्होंने दिया है पानी, पानी पे गुजारा करो, बाद में दूसरी चीज़ खाना। ये पानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अभी जहाज का पिकअप चेक करना, कितना धमाका वाला होता है। मैं अफेक्शन दिखाऊंगा आपको। There are 8 emergency exits on the aircraft, located on each side of the cabin, at front, at the center. Allahumma salli ala. अभी मिला है हमें लंच, तो लंच खाया करते हैं। तो सबको ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो होते हैं ये एयर होस्टेस, एयर होस्टेस। अब देखते हैं लंच में क्या है, इसको खोलेंगे, देखेंगे अरबी में लिखा हुआ है और उसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ है। आपके साथ ही मैं भी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ चीज़ों की। इसके साथ मौजूद है एक कोल्ड ड्रिंक और कुछ केक है और कुछ जेलीज हैं, बाकी ये कोई मसाले वाली चीज़ है। तो लंच करते हैं। हमसे बिरयानी निकली भाई, बिरयानी, मज़ेदार बिरयानी। हमने लंच कर लिया है और मेरा फिनिश हो चुका है, देख सकते हैं। बहुत अच्छा लंच दिया था इन्होंने, बिरयानी भी दी थी, मज़ा आया था। और ये लंच कर रहा है, बस होटल भी रहा है, बाकी इसने भी कर लिया है। जा रहे हम मिलेंगे आपसे एयरपोर्ट में। मोबाइल मेरा चार्ज नहीं है, भाई के फ़ोन से ब्लॉक करूँगा। तो फाइनली यार हमें अपनी कोच मिल गई और आज हमें असली वाली कोच मिली है और अभी ईरान में मौजूद है, देख सकते हैं आप। मोबाइल की क्वालिटी की थोड़ा आप एहतियात करना। और बाकी मैं जा रहा हूँ अभी, कोच में बैठूँगा। ये व्लॉग मतलब ये हकीकत में व्लॉग अच्छा नहीं बना, ये मैं बात नहीं कर रहा। क्वालिटी का बिल्कुल लो हो रही है और सामान में रखवा रहा। अभी बैठे हम यहाँ कोच में और माशाल्लाह आज कोच हमें अच्छी मिली है। तो अभी हम जाएँगे होटल, और होटल ही जाएँगे यहाँ से यार। अभी बस ऊपर चढ़िए, रोड बना हुआ है पहाड़ के बीच में से, तो हम ऊपर जा रहे हैं। फील ऐसे हो रहा है जैसे हमें पीछे से कोई अट्रैक्ट कर रहा है, ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही है ना, तो हम पीछे जा रहे हैं सारे। मैं आपको दिखाता हूँ वन सेकेंड, ये देखो ऊपर जा रहे हैं, बिल्कुल स्लो स्लो जा रहे हैं। एक तो लोड है हमारे बस में और ऊपर देखो कितना ऊपर है। रोड कैसे मोड़ मोड़ के बनाए हुए हैं इन्होंने यार, बहुत मुश्किल चढ़ना है यहाँ से। देखो ये देखो, ये देखो वो कहाँ से ऊपर आए, देख लो वहाँ से ऊपर आए, वो वहाँ से देखो वहाँ से घूम के क्या है। अभी और भी ऊपर जाना है हमें, ये देखो यहाँ से फिर यहाँ से यही इस गाड़ी को धक्का देंगे ना, गाड़ी का टायर भी नहीं मिलेगा। अभी हम यहाँ पहुँचे हैं, देख सकते हो आप पीछे पीछे माहौल कितना बड़ा है, मतलब जो कहाँ से हम कहाँ तक आए हैं, ये पूरा हम क्रॉस करके आए यहाँ से। और अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, मैं यहाँ ब्लॉग कर रहा हूँ और हमें ज्यारत भी करनी आगे, तो अभी ज्यारत करते हैं, बाद में इसको एंजॉय है। यार मैं यहाँ पहुँचा हूँ, देखो ये बीबी शेरबानों की यहाँ ज्यारत करने अब हैं हम यहाँ। देखो इतना ऊपर है यार, ये चढ़ चढ़ के अभी हम वहाँ से आते तो हमारे टांगे घूम जाती, लेकिन खैर है अल्लाह मालिक यहाँ से चढ़ जाएंगे। अभी भी साफ रास्ता पड़ा है, मैं अपने मोबाइल को मिस कर रहा हूँ, मेरे पास मोबाइल तो है, वो मौजूद है मिलने पर्स में पीछे, लेकिन मेरे पास उसका चार्जिंग ख़त्म है, बैटरी बिल्कुल कम चलाता है। एक ही ज़्यारत मौजूद थी, मैंने ज़्यारत वो कर लिए और अभी मैं यहाँ आया हूँ ज़रा आपको व्यू दिखाने। तो नीचे जाने लग रहा था, अभी मैंने देखा गेट लॉक है, तो यहाँ से आप कुछ दीदार कर लो यहाँ का नज़ारा। मेरा मोबाइल होता तो आप बिल्कुल क्लियर करते, लेकिन इसमें से गुजारा कर लो आप। तो यार इसी वीआईपी मोमेंट है, मैंने अल्लाह की कसम पावर बैग भी छोड़ दिया है उसमें, ले गया लगेज में, लगेज अभी वो नीचे बस में। अभी देखो वहाँ रोड भी बन रहा है, वो देखो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं अल्ट्रावाइड हटा के आपको दिखाता हूँ वो जूम करके, बाकी ये देख लो आप, दिखाता हूँ रोड कैसे ऐसे बनते हैं यहाँ रोड, देख लो। अभी हम मौजूद हैं ईरान और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 17 और 18 घंटे इसमें हमें ज़्यारत करनी है बीबी मासूमा हुकुम की।
तो अभी हम होटल में आ गए हैं, एक दिन के लिए हमने होटल लिया है अपना, तो अभी चलते हैं ज़्यारत को। बाहर मौसम भी बड़ा हसीन है और ईरान मुझे बहुत बड़ा हसीन लगा और पैसे के हवाले से भी बहुत हसीन है, बहुत बचत होती है यहाँ पे। तो चलो चलते हैं आगे ज़्यारत। भाई अभी हम जा रहे हैं हरम की जानिब और यहाँ व्लॉग करना इतना सही भी नहीं है, तो मुझे कैमरा कहीं कहीं बंद भी करना होगा, कहीं खुला रखा भी होगा। तो अभी मैं हरम जा रहा हूँ। माशाल्लाह ईरान की बहुत गलियाँ हैं, वाह यार क्या क्या ईरान की गलियाँ हैं खूबसूरत यहाँ। लेकिन वीडियो बनाना इतना मना है तो मैं कम रिकॉर्डिंग करूँगा। कुछ सहने बहुत ही बड़ा खूबसूरत है ईरान कुम, ये मासूमा कुम का श्राइन, द श्राइन ऑफ मासूमा माशाल्लाह। ये बीबी मासूमा कुम का रोज़ा, द श्राइन ऑफ मासूमा कुम सुभान अल्लाह। दिखाता हूँ अभी आयतुल्ला बेहजत की तुरबत मुबारक। तो आयतुल्ला बेहजत यही है कितने कितने कबर, ये भी कबर कबर मुबारक आयतुल्ला बेहजत, आयतुल्ला बेहजत जी है, आयतुल्ला बेहजत रहमतुल्लाह अलैह माशाल्लाह। आयतुल्ला बेहजत 2009 में वफात पा गए थे। ये भी आयतुल्लाह है कोई माशाल्लाह, ये भी आयतुल्लाह तबा गाजी तबा तबाही है, यहाँ आयतुल्लाह बहुत मौजूद है माशाल्लाह खूबसूरत। अभी हम जा रहे हैं होटल क्योंकि हमने हमारी पूरे दिन की नींद नहीं है, सुबह के 4 बजे के उठे हैं और अभी तक चल रहे हैं। सफ़र था, रास्ते में बहुत थकावन थी, जहाज़ वगैरह का ये आपको पता है यहाँ एयरपोर्टों का चक्कर। तो अभी हम जा रहे हैं होटल वापसी और होटल भी बंद हो जा रही है, 12 होने वाले 12 बज रहे हैं। तो अभी हम सोते हैं, फजर को ये लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आपको मासूम कुम की ज़्यारत करवा देता हूँ और इनकी कुछ पिक्चर्स भी निकालनी है। तो ये दैट्स व्हाई ये वीडियो भी बनाना इतना सही नहीं है, देखो सही है, आप ब्लॉग करेंगे हम कंटिन्यू। सीन कुछ ऐसा हुआ है, मैं फजर को उठा नहीं और जो हमारा सलार था ना शहबाज कलेरी, उसका मैं नंबर भी नीचे दे रहा हूँ आप देख लो, इसका फ़ोटो भी दे रहा हूँ और उसका मैं थोड़ा जो गांव में एहतजाज किया है लोगों ने, खैर हमें तो इतना हमें मुश्किल हुई है बेशक, लेकिन हम हमारे पास अगर खुद के पैसे नहीं होते तो हम कैसे चलते हैं अपने दम पे। तो हम अपने दम पे चल रहे हैं अभी, जो नजफ हमने पूरी ज्यारत अपने कराची एयरपोर्ट से लेकर अपने दम पे की, अपने खर्चे पे किए, सारे टिकट जहाज़ वगैरह ये खर्चा, होटल का रहना खाना पीना आना जाना जो भी जहाँ इतराफ़ी ज्यारत सब हमने अपने दम पे किया है, अपने पैसे दे के किया है। अभी हम जा रहे हैं सीधा बॉर्डर पे फिर पाकिस्तान बाय रोड जा रहे हैं क्योंकि अभी इतनी गुंजाइश नहीं कि अभी 50,000 या 80,000 की या 90,000 की एक टिकट हो रही है जहाज़ की एक बंदे की सीधा पाकिस्तान एयरपोर्ट जिना, लेकिन यहाँ बहुत महंगी है तो हमने कहा बाय रोड नहीं जाएंगे हम। और भाई अब देखो शहबाज किसा बेगैरत इंसान है, अब उसका मैं नंबर दे रहा हूँ नीचे और उसका फ़ोटो भी दे रहा हूँ, इस पर लानत है, इसको जितना तंग करना है वायरल करो नंबर, इसको लानत है। इसका जो NIC नंबर है वो भी मैंने निकाला है नंबर से। तो यार खैर एनीवेज अभी मैं जा रहा हूँ ज़्यारत पे, बीबी को आखिरी सलाम करते हैं और उस मलोन शहबाज कलेरी और सलमान पे लानत भेजता हूँ मैं, और जो हमारे साथ हमारा साल आ रहे उसने भी हमसे फ्रॉड किया है, अब उसका क्या करें, उसको हम छोड़ देते हैं अभी हमारे साथ ही, उसकी टिकट भी हम भरें, उसका खर्चा भी हम उठा रहे हैं यार, अब उसकी पाकिस्तान पहुँचाएँगे, पाकिस्तान में हमें पेमेंट करेगा 10 लाख और दूसरा अब जो भी हिसाब होगा। तो बाकी खैर एनीवेज अभी हम जा रहे हैं ज़्यारत पे हरम पे और परेशानी की वजह से मैं व्लॉग नहीं कर सकता यार, अभी मैं हरम में जा रहा हूँ और हमारे ये व्लॉग है बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका है, 1000 मसले आते हैं हर लम्हे हर घड़ी पे, नए मसले। हमने पैसे तो भरे वो अपने 10 लाख और खुद के दम पे अलग चल रहे हैं और परेशानी अलग आ रही है। तो अभी मैं हरम में जा रहा हूँ बीबी की ज़्यारत करने, ज़्यारत करके आपसे बात में। अल्हम्दुलिल्लाह हरम में पहुँच गए, अभी दिन को दिखाता हूँ आपको सहने बीबी कुम मासूम कुम, ये सहने बीबी माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। अब यार मैं हकीकत पूछोगे ना ज़्यारत इतनी मार्फत वाली नहीं हो रही क्योंकि काफ़िला अच्छा नहीं है और सालारे जो एक नंबर का हराम ही है, पूरे अंडरग्राउंड सिस्टम कर रखा है हरम के नीचे, देखो अंडर द रोड है हरम के नीचे से गाड़ियाँ जाती हैं, ये बहुत अच्छा सिस्टम रखा है इन्होंने। ये अंदर का सहन है बीबी का,
देखो ये अंदर का सहन है बीबी का, यहाँ भी बहुत बड़ा सहन है माशाल्लाह। ईरान में बड़े बड़े सहन है, मौला रजा पे अगर हम चलेंगे तो वो भी दिखाऊंगा आपको। वैसे कोई प्रोग्राम तो नहीं बन रहा क्योंकि यार कम पड़ गई थोड़ी पेमेंट, इस दैट्स व्हाई। तो देखो देखो मैं खुद ही इंट्रोड्यूस कराता हूँ आपको, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी नॉलेज है कि बता सकता हूँ कहाँ क्या मौजूद है। सोशल मीडिया का जोर है आजकल। देखो ये हराम पाक मौला बीबी का अक्सर ईरान में से ही मुकाम बनाए जाते हैं, इसलिए कि ये थोड़ी जो होते हैं ना मेले वगैरह कम होते हैं, उसकी शाइनिंग ज़्यादा होती है, तो ये हरम को सजा के रखते हैं माशाल्लाह। और इस साइड जो है लेडीज़ का है और मर्द इसलिए जा रहे हैं फैमिली है, और इधर बाकी इस साइड खालिस मर्द है, मर्द जा आ सकते हैं, लेडी का ना मना है। तो देखो ये माशाल्लाह कितना ये गुंबद है, ये गुंबद जो बाहर बड़ा दिखाया था आपको मैंने, इस साइड भी ज़्यारत है कोई माशाल्लाह। ये देखो ऊपर से गुंबद है। बाकी मैं इस व्लॉग को मैं यही एंड करूँगा, दूसरा व्लॉग स्टार्ट करूँगा। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट व्लॉग।